नमस्कार दोस्तों दोस्तों, देखिए ये 50-36 पैसे कमा ले जॉन डियर ट्रैक्टर है, इसका सर्विसिंग करेंगे। दोस्तों आप घर पर इसका सर्विसिंग कैसे कर सकते हो और क्या क्या खोलना पड़ता है आपको दिखाऊंगा। जो घर पर सर्विसिंग करना है तो आसानी से घर पर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, हम जॉन डियर का सर्विसिंग करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता हूँ। तो वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो चलिए दोस्तों, इस जॉन डियर ट्रैक्टर का सर्विसिंग करते हैं और आपको बताता हूँ कि क्या क्या खोलना पड़ता है। देखिए दोस्तों, इस नीचे 17 नंबर का ऑयल नट लगा है, उसको खोल लेंगे। देखिए यहाँ नीचे 17 नंबर का बोर्ड लगा है, इसे खोलेंगे। देखिए यहाँ इसे पहले खोल लेंगे। तो चलिए इसे खोल लेते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ। देखिए देखिए, ऑयल बोल्ट को खोल लिए हैं, अब ऑयल पूरा गिर जाएगा। देखिए उसके बाद दोस्तों, देखिए इस पास डीजल फिल्टर है। देखिए ये दो, ये 12-13 का चाबी लगेगा इसमें, तो इसे खोल लेते हैं। देखिए इसे डीजल फिल्टर को खोलेंगे दोनों को और इसे सफाई करेंगे। तो चलिए इन्हें भी खोल लेते हैं, डीजल फिल्टर को। देखिए ये खुल गया, दोनों फिल्टर को खोलेंगे और अच्छे से साफ करेंगे। दोस्तों आप घर पर आसानी से इसे सर्विसिंग कर सकते हो, अगर घर पर करना चाहते हो तो। देखिए ये भी खुल गया, तो नीचे रबड़ का रिंग है, उन्हें भी निकालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इस फिल्टर में नीचे कचरा जमा है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, तो उसे नीचे इस ढक्कन को निकालेंगे। देखिए ये नट है नीचे, इसे खोलेंगे तो वो निकल जाएगा कचरा, तो इसे खोल लेते हैं। कचरा निकलने तक इसे खोलेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। देखिए नीचे कचरा जमा है, इसलिए डीजल भी नहीं निकल रहा है। देखिए अब निकल गया, तो इसे अच्छे से निकालेंगे, नीचे जितना जमा है उसको, उसके बाद इसे बंद कर देंगे। इसको खोलना नहीं पड़ता है, नीचे से गिरा देना है, जितना भी पानी है कचरा है सबको नीचे से गिर जाता है, तो इसे बंद कर देंगे। देखिए इसे भी बंद कर दिए। देखिए इन दो रबड़ है, इसको निकालेंगे तो अच्छे से इसे टाइट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से साफ करेंगे डीजल फिल्टर को। और देखिए यहाँ पर एयर फिल्टर है, देखिए इसे खोलेंगे, ये ड्राई एयर फिल्टर है, तो इसे एयर के मदद से साफ करना पड़ता है। देखिए खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी धूल है, धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गया है, इसे भी अच्छे से साफ करेंगे। देखिए बहुत सारा धूल है, अंदर का छोटे वाला फिल्टर में नहीं रहता है, इसमें उतना नहीं रहता है, जो ये बड़ा वाला फिल्टर है इसमें धूल धूल हुआ है, इसे अच्छे से साफ करेंगे एयर की मदद से। देखिए पूरा धूल है, देखिए पूरा धूल गिर रहा है, तो इसे अच्छे से एयर लगा के साफ करेंगे। तो इन फिल्टर को अच्छे से साफ करेंगे ब्रश की मदद से। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक फिल्टर है, पहले दिला कर साफ देखेंगे और इस फिल्टर को पहले खोलेंगे। देखिए ये ऑयल फिल्टर है, इसे निकालेंगे।
दूसरी साइड लगे रहता है ऑयल फिल्टर, तो इसे आराम से खोलेंगे। देखिए इसे नीचे की ओर घुमाना पड़ता है, उसके बाद खुल जाता है। चलिए इसे भी खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी निकल गया, इसको भी ज़्यादा निकालना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा घूम गया तो निकल जाता है। देखिए ये फिल्टर भी निकल गया दोस्तों, बस इतना ही खोलना है फिल्टर जो। देखिए ये नया वाला फिल्टर है, ये डीजल फिल्टर, देखिए ये नया फिल्टर लिया है। ये दोनों नया फिल्टर है, अब डीजल फिल्टर को फिटिंग करेंगे। के बाद ये ऑयल फिल्टर है, देखिए महिंद्रा का है, ऑयल है महिंद्रा, सॉरी जॉन डियर का, देखिए जॉन डियर का ओरिजिनल ऑयल है। देखिए ये जॉन डियर का ऑयल है। अभी दोनों फिल्टर को फिटिंग करेंगे, डीजल फिल्टर को। चलिए दोनों फिल्टर को फिटिंग करते हैं फटाफट। देखिए नीचे पहले रबड़ को लगा लेना है, लड़का लगा लिया तो मैं नहीं दिखा पाया, जो दो रबड़ का रिंग आता है वो रिंग, उसको लगाना है। देखिए दोनों फिल्टर को टाइट करेंगे अच्छे से, ज़्यादा नहीं कसना है, थोड़ा थोड़ा कसना है। उसके बाद एयर खोल के उसे अच्छे से टाइट करना है, पहले थोड़ा सा इसको कसना है, उसके बाद एयर खोलेंगे। देखिए एयर खोलेंगे ऊपर से अच्छे से, थोड़ा सा टाइट करेंगे, उसके बाद एयर खोल के अच्छे से टाइट करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइट करके यहाँ से एयर खोलेंगे। देखिए पंप लगाएंगे, देखिए डीजल आते तक पंप लगाएंगे। देखिए दोस्तों अब डीजल निकल रहा है, अब इसका एयर खुल जाएगा। देखिए अब इसको अच्छे से टाइट कर देंगे, इसका एयर खुल चुका है। पहले एक एक को एयर खोलेंगे, इसको टाइट करेंगे, उसके बाद दूसरा फिल्टर को, उसको एयर निकालेंगे दूसरा फिल्टर का। देखिए अब इसका एयर खोलेंगे दूसरा फिल्टर का, देखिए इसका भी अब डीजल निकल रहा है। पूरा एयर निकलते तक उसको पंप लगाएंगे, उसके बाद टाइट कर देंगे। देखिए अच्छे से टाइट करेंगे, और ओवर टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो रबड़ का रिंग रहता है वो कट जाता है और डीजल लीकेज हो जाता है। को टाइट करके थोड़ा सा पंप लगाएंगे। देखिए पंप साइड से भी डीजल निकल रहा है, इसको भी बदलना पड़ेगा। देखिए ऑयल फिल्टर है, इसे भी फिटिंग करेंगे। उसके बाद देखिए इसको अच्छे से हाथ से टाइट करेंगे पूरा हम लगा के। फिल्टर पाना के नहीं फंसाएंगे, नहीं तो ये दब जाता है। इसको अच्छे से हाथ में टाइट करेंगे पूरा जोर लगा के, तो हो जाता है। देखिए इसको भी अच्छे से टाइट कर लिए, अब इसको एयर लगाएंगे। देखिए देखिए दोस्तों इसको भी अच्छे से एयर लगा लिए हैं, यहाँ का पूरा धूल निकाल लिए हैं। देखिए पूरा सफाई हो गया है,
देखिए पूरा सफाई कर लिए हैं, अब इसका फिटिंग करेंगे। देखिए ये थोड़ा थोड़ा है, ये यहाँ रच गया है, नहीं निकल रहा है, तो यहाँ से भी अच्छे से सफाई करेंगे। देखिए ये कपड़ा डाल के अच्छे से पेंचकस की मदद से सफाई करेंगे अंदर में, उसके बाद फिटिंग करेंगे। देखिए पहले छोटे वाला फिल्टर डालेंगे, उसका मुँह साइड है वो अंदर टाइट रखेंगे ताकि उसके अंदर धूल नहीं जाए। देखिए फिटिंग हो गया, देखिए दोस्तों ये भी फिटिंग हो गया। इसको अच्छे से इसका हुक को फंसा देंगे, जो तीन हुक लगे रहता है उसको अच्छे से फंसाएंगे दबा के। देखिए यहाँ से इसको भी चेक करेंगे, कूलिन वाटर को यहाँ है कि नहीं है, पहले कूलिन वाटर को भी चेक करेंगे। देखिए दोस्तों कूलिन वाटर भी थोड़ा सा कम है, अगर बदलना है तो बदल देना, नहीं तो इसमें ज़्यादा दिन नहीं है बदला हुआ तो इसमें यहीं डाल देंगे नया, थोड़ा सा कम है। अब ऑयल डालेंगे, चलिए आयल का ढक्कन को निकाल लिए हैं। देखिए यहाँ बीच में एक केप लगा है जो जिसे निकालेंगे और आयल डालेंगे। देखिए आयल डालने का ऊपर में है टाइमिंग केप के अंदर, टाइपिंग केप के अंदर, देखिए और आयल को डालेंगे। तो चलिए फटाफट से आयल को डाल लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। उसके बाद क्या दिखाएंगे दोस्तों, बस हो गया इतना ही था, बस इतना ही तो है आयल बदलने का। आप घर पर भी आसानी से बदल सकते हो जो आयल बदलना है। अगर आवाज़ इसका बदल गया है तो टाइपिंग भी सेट करना पड़ता है, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है तो बस इसमें आयल बदलना था, बस इतना ही काम था दोस्तों। तो इतना काम आप घर पर भी कर सकते हो आराम से। तो चलिए दोस्तों आयल को भी डाल दिए हैं, देखिए पूरा आयल को डाल दिए हैं। अब इसका गेज देखेंगे, गेज को अच्छे से चेक करेंगे कितना आयल हुआ इस गाड़ी में। दोस्तों ये छोटा गाड़ी है तो इसमें 6.5 लीटर का आयल आता है, 6.5 लीटर आयल आता है, किसी में 8.5 लीटर रहता है HP गाड़ी का HP हिसाब से। देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आयल आ गया है, देखिए देखिए यहाँ तक आयल आ गया है, देखिए यहाँ तक जिसमें यहाँ लकीर है वहाँ तक आ गया है। तो चलिए दोस्तों देखिए पूरा सर्विसिंग तो हो गया, बस इतना ही था, बस इसमें आयल बदलना था दोस्तों। देखिए तो इतना काम आप घर पर आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।